हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मैक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रही है। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 2529.10, लो गया था 2455.05 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया 2.38% एंड क्लोज हुआ है 2510.80 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹29,917.76 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹28,673.34 करोड़ एंड पीई रेशियो है 153.61। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹142.36 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.06। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹1,386.78 करोड़। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 142.36 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.38। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹16.34, रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.02% एंड आरओसीई है 6.57%। ये जो कंपनी है थर्मैक्स, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 61.98%, डीआईआई का होल्डिंग है 15.77%, एफआईआई का होल्डिंग है 11.93% एंड पब्लिक का होल्डिंग है ओनली 10.32%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज़्यादा ही है। और एक चीज़ देखिए, ये जो आपका 61.98% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये जो कंपनी है थर्मैक्स लिमिटेड, ये कंपनी आपका हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने लास्ट एक साल में आपका रिटर्न दिया है 79.11% का और अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 8,863.94% का। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है थर्मैक्स, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में यहाँ पे देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया, तो क्योंकि आज के डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, RSI यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर ही है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे आपका है अगस्त 2022 का 3rd वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, इस शेयर का जो लास्ट हायर हाई लेवल था, वाला लेवल, इसको भी अभी इस शेयर ने आपका तोड़ दिया है। एंड अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो कारण मार्केट प्राइस चल रहा है वो आपका लगभग आपका 2510, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका रुपीज 2750 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। और अगर ये शेयर 2750 का जो लेवल है इसके ऊपर आपका सस्टेन कर देता है तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपका रुपीज 3200 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आजकल इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।